मूवमेंट इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही क्रिटिकल था 1975 की इमरजेंसी और इंदिरा गांधी का इलेक्शन केस। वेलकम टू द डे 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड सीरीज। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इलेक्शंस जीते, लेकिन राजनारायण ने उनके अगेंस्ट इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस के केस फाइल किया। फिर 1975 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस जीतने के लिए अनफेयर मींस यूज किए थे और उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एंड इसी जजमेंट के बाद देश में पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कंट्री में आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एंड इसका रियल रीजन यही था कि वो अपनी पावर और पोजीशंस को सेव करना चाहती थी। इस इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने 39th अमेंडमेंट पास किया। इस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 329A इंसर्ट हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर करता था। ये स्टेप डायरेक्टली जुडिशरी की पावर को अंडरमाइन कर रहा था। लेकिन इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस को कोर्ट करते हुए हेल्ड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। एंड इस जजमेंट ने डेमोक्रेसी को एक बार फिर से बचाया। ये क्राइसिस इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने दिखाया कि जुडिशरी कितनी पावरफुल और इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ जुडिशरी ने इंश्योर किया कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।